हेलो गाइस, आपका हमारा यूट्यूब चैनल हम साथ के ऊपर पे स्वागत है। तो आज आप आ गए हैं, तो मैंने आपको वन पार्ट डाला जिसमें हमने फर्स्ट लेयर सॉल्व करना सीखी थी। अब हाँ, आपका ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम सेकंड लेयर सॉल्व करना सीखेंगे। तो उसके अंदर आपके थ्री केसेस आ सकते हैं, मैं आपको सब बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने जो टॉप कलर है उसको ऊपर रखना है, और नीचे वाली जो लेयर है उसके अंदर आपको कोई ऐसा पीस ढूंढना है जिसमें आपके ऊपर वाले कलर का अपोजिट हो। जैसे कि इसमें ग्रीन है तो उसमें ग्रीन कलर ना हो किसी भी पीस के अंदर। इसमें ग्रीन है इसको भी नहीं ले सकते, इसमें ग्रीन नहीं है तो उसको हम ले सकते हैं। इसमें क्योंकि वाइट और ऑरेंज है, ऊपर वाले कलर को सेंटर से मैच करेंगे। ये मैच नहीं है, ये अब मैच हो चुका है। ऑरेंज है या तो इधर होगा या तो इधर होगा, ये इधर है तो यानी इसको एक एल्गोरिथम है जो ये पीस यहाँ लग जाएगा और पर भी बिगड़ेगा नहीं। उसका है ये नीचे इधर ऊपर करेंगे, ये हमारा पीस डिस्टर्ब हो गया। इसको इधर, इसको नीचे, इसको इधर, इसको ऊपर। अब देख सकते हैं कि ये पीस अपने आप लग गया है। अब हम दोबारा ढूंढ लेंगे, हमें एक मिल चुका है। मैं फिर वही इधर लगाना है, ये इधर। अगर ये इधर होता तो इधर करते, ये अभी हमारा इधर है तो हम इसको इधर करेंगे। इस वाले लेयर में लगाना है, इसको नीचे करेंगे, इसको वापस इस वाले कलर के साथ मैच करेंगे, इसको ऊपर कर देंगे, यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया, इसको वापस लगा देंगे और ये लग चुका है, सही है। और अब दोस्तों आपका सेकंड जो केस आ सकता है वो होगा कि इसका कलर इधर, इसका मुंह इधर। इसका एक एल्गोरिथम है वो आप कर सकते हैं। इसके जो पीस हैं वो अलट पलट हो जाएंगे, चले गए कलर ही चेंज कर दिया। वो है ये है जिससे हमारा के जो पीस हैं जो अलट पलट हो जाएंगे। दोस्तों अभी मैं को बताता हूँ दूसरी जो ट्रिक था वो क्या था। ये अगर आप चाहें तो उसको उतार सकते हैं नीचे, जैसे कि मैं को बताता हूँ। मतलब जैसे ये इधर है, अब उसको उतारने के लिए क्या करना होगा, आप इसमें से कोई ऑरेंज कलर वाला पीस चढ़ा दें। जैसे कि ग्रीन कलर वाला है तो आपको ग्रीन कलर वाला चढ़ा दें। इधर इधर लगाते हैं हम, इधर इसको इधर लगाना है तो इधर करेंगे, इधर 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 नीचे, और फिर इस वाले को इधर करके ऊपर चढ़ा देंगे। तो ये हमारा जो पीस है यहाँ लग जाएगा और ये वाला जो पीस है वो यहाँ आ जाएगा। तो हम उसको उसके साथ मैच करेंगे और ये इसी तरह यहाँ पर भी लग जाएगा। अब हमारा बस ये पीस रह गया है, अब हम इसको भी ढूंढ लेते हैं। ये पहले से ही मैच है, इसको साइड में इस वाली लेयर में लगाने दे, इसको नीचे, इसको इधर, इसको ऊपर, ये डिस्टर्ब हो गया, इसको लगा देते हैं। ये हमारा जो पीस है वो लग चुका है और आपकी कम्प्लीटली सेकंड लेयर सॉल्व हो चुकी है। दोस्तों को हमें बनानी है थर्ड लेयर। थर्ड लेयर में फोर कैसे जा सकते हैं। नंबर वन आपका ये बस यही पीस होगा, हमें प्लस बनाना है। साइडों वाले कॉर्नर्स पर आपको ध्यान नहीं देना। आपका भी फर्स्ट केस होगा, ये आपका सेकेंड केस है एल, ये आपका थर्ड केस है लाइन, आपको फोर्थ केस से प्लस बना बनाया मिल जाएगा। तो मैं आपको वन केस पे लेके चल लेता हूँ। अगर आप वन केस पे रहें तो आपको क्या करेंगे, आप ये एल्गोरिथम लगाएंगे जिससे आपके ये बिगड़ेंगे भी नहीं और आपके इधर एक एल आ जाएगा। वो है ये एफ आर यू आर रिवर्स यू रिवर्स और एफ, ये लगाएंगे आप देखेंगे आपका एल आ चुका है। आप ऐसे एल नहीं पकड़ लिएगा, आपका एल है तो ऐसे नहीं पकड़िएगा। एक ये क्या, एक आपके सामने की तरफ और एक आपके राइट शोल्डर की तरफ। आपको वही एल्गोरिथम लगाना है जो भी वही है एफ आर यू आर रिवर्स यू रिवर्स एफ रिवर्स। आप देख सकते हैं लाइन आ गई, लाइन को ऐसे नहीं करिएगा वरना आपका वापस डॉट आ जाएगा, आप लाइन को टेढ़ा कर दिएगा। वरना आप ऐसे करेंगे तो कट रही है, एकदम कट रही है, यानी इसको इधर कर दीजिएगा। ये पीस लाइन ऐसे सीधी होगी तो हम वही एल्गोरिथम लगा देंगे एफ आर यू आर रिवर्स यू रिवर्स एफ रिवर्स। अब देख सकते हैं कि आपका प्लस आ चुका है। दोस्तों प्लस आने वाले आपको क्या करना है, वो कलर मैच करना है। जैसे वाइट को वाइट के साथ मिला के चेक करते हैं, वाइट मैच हो रहा है और येलो मैच हो रहा है, अपोजिट साइड मैच हो रहे हैं। इसमें वही एल्गोरिथम होगा जो मैं आपको फर्स्ट लेयर में बताया था, उसको नीचे करके दोबारा से घुमा देंगे। इसमें ये गलती नहीं करिएगा क्योंकि लास्ट लेयर है। आपको वही एल्गोरिथम लगाना है, एक को अपने सामने रखना सही वाले को, एक को अपने पीछे रखना है, और वही एल्गोरिथम लगाना है जो मैंने आपको बताया था आर यू टू आर रिवर्स यू रिवर्स आर यू रिवर्स आर यू रिवर्स। इसको आप यू रिवर्स नहीं करिएगा, आपके देखेंगे दो मैच हो चुके हैं, अभी दो मैच नहीं है। अब आपको एक गलत वाला इधर, एक गलत वाला इधर, इन दोनों के अलग अलग करने के लिए आपको आर यू टू आर रिवर्स यू रिवर्स आर यू रिवर्स आर
रिवर्स यूनिवर्स। अब देखेंगे आपके ये जो प्लस है ये सारे के सारे मैच हो जाएंगे। अब आपको देखना कि ये कलर देखें, ऑरेंज ग्रीन वाइट नहीं है, ये नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, ये ले सकते हैं क्योंकि ये पिंक वाइट और ग्रीन ये ले सकते हैं। तो उसको अपने राइट शोल्डर की तरफ रखिएगा और उसके बाद एल्गोरिथम है एल डैश, ये जो मैं एल्गोरिथम बता रहा हूँ वही है। आप देख सकते हैं कि हमारे जो सारे पीस हैं वो अपनी जगह पर आ गए, उनके जो मुंह हैं वो बाद में सीधे कर लेंगे। ये वाइट के पास ऑरेंज, ये भी सही है, ये भी सही आ गया, सही आई है। अभी हमारे इसको इंतजार रखेंगे और इसके क्या करना है, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, जब तक लगाते रहेंगे जब तक उसका मुँह ऊपर ना आ जाए। ऊपर आ गया उसको एक बार इधर कर देंगे, क्यूब भी घुमाइएगा वरना क्यूब खराब हो जाएगा। ऊपर इधर को एक बार टर्न कर दिएगा, सही है। अब हम इसको लगाते हैं, इसका मुँह ऊपर नहीं होगा, हम लगाएंगे आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी। देख सकते हैं इसका मुँह ऊपर आ गया तो हम क्यूब को नहीं लगाएंगे, हम उसको एक बार आगे कर देंगे। इसका मुँह भी ऊपर लेते हैं, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी। अब देख सकते हैं हमारा जो क्यूबिक्स क्यूब थी वैसे ही वो पूरा का पूरा सॉल्व हो गया है। अगर आपको उस वीडियो से कोई भी सीख मिली हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं जिस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ मैं क्यूब पैटर्न्स की भी लाऊंगा। अगर आपको फर्स्ट लेयर बनाना नहीं आती है तो आप मेरे चैनल पर जाके आप मेरी वो फर्स्ट लेयर की वीडियो देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।